कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपको बता देना चाहता हूँ कि बदलाव के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा, समाधान के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा। हम युवाओं ने समाधान का प्रण लिया है, संकल्प लिया है, और इस रामगढ़ उपचुनाव में हम लोग पूरे झारखंड को यह एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग धनबल से, जो लोग बाहुबल से चुनाव में उतरते हैं और पैसा बहाकर, अकूट पैसा बहाकर चुनाव जीतते हैं, उनको एक स्वस्थ राजनीति, एक विचारधारा की राजनीति से, एक मुद्दों के आधारित राजनीति से भी मात दिया जा सकता है। जिनको सही से प्रतिनिधित्व करने नहीं आता है, बोलने का ढंग नहीं है, वैसे लोग सत्ता के शीर्ष पदों पर विराजमान हैं, और आप जैसे प्रभावशाली शिक्षित लोग अभी कहीं नहीं हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति में साफ सुथरे लोग आने चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, विकास नहीं हो रहा है, लेकिन वोट देने के टाइम कहीं ना कहीं उनके आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। लोग जात पात, रुपया पैसा, दारू मुर्गा मीट मछली ये सब देखते हैं, और जब चुनाव वो पार्टी जीत जाती है, वो प्रत्याशी जीत जाता है, फिर विकास की अपेक्षा करते हैं। ऐसे में क्या विकास होगा? और आप हमें ये भी बताइए हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कि अगर लोग विकास चाहते तो हैं लेकिन उस पथ पे चलते नहीं हैं। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कानून की भी आपको जानकारी है, अच्छी जानकारी है, कई विषयों में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि राजनीति में जो है नेपोटिज्म कैसे ख़त्म होगा, जातिवाद कैसे ख़त्म होगा, सही लोग कैसे आएंगे, हम वोट दें तो हमारा वोट जो है सही जगह पे जाए, वो वोट विकास का वोट हो, विकास के लिए वोट हो, सही आदमी चुना जाए, सही आदमी सत्ता में जाए, सही आदमी विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, राज्यसभा में जाए, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, ताकि हमारा देश आगे जाए। आप बताएं जरा इसके बारे में। आपको आपने जो बात कही है वो बहुत ही प्रायोगिक बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मास साइकोलॉजी, जो भीड़ का मनोविज्ञान है, वह यह कहता है कि किसी भी समाज में 25% लोगों की आबादी हमेशा नकारात्मक लोगों की होती है और 25% आबादी हमेशा सकारात्मक लोगों की होती है। बाकी के जो 50% आबादी होती है वो फॉलोअर्स की होती है। जिस ऐसे समाज में 25% सकारात्मक लोग मजबूत होते हैं तो 50% जो बाकी के बचे लोग हैं उनको समर्थन करते हैं। हम जिस तरीके से बदलाव की राजनीति लेकर आए हैं, मुद्दों की राजनीति लेकर आए हैं, तथ्यों की राजनीति लेकर आए हैं, शिक्षित लोगों की राजनीति लेकर आए हैं, ये लोगों को पसंद आ रहा है, और 50% जो बची हुई आबादी है उनका समर्थन हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को मिल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि इसी परंपरा से राजनीति बदलेगी। राजनीति रातों रात नहीं बदल सकती है, लेकिन हाँ, प्रयास करना होगा। वो एक कहा ये शायरी भी है ना कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हम लोग उसी तबीयत से पत्थर उछालने के लिए आए हैं, सकारात्मक राजनीति के तहत आए हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, लोगों के पास अपना विचार रख रहे हैं, परिवर्तन होगा निश्चित रूप से। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन एक और बात बताइए कि जो मेन स्ट्रीम राजनीति है, कुछ पार्टियाँ जो हैं वो विरासत की पार्टियाँ हैं, चाचा बनेंगे, भतीजा बनेंगे, माँ बनेंगी, बेटा जी बनेंगे, परिवार के लोग ही बनेंगे। ये बताइए कि इस देश में, हर प्रदेश में, विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में, महाविद्यालयों में एक से एक प्रतिभा के धनी लोग पड़े हुए हैं, लेकिन वही है कि चरण वंदना हो रही है। जो लायक नहीं है उसको लायक बना दिया जा रहा है, और जो लायक है वो सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। आखिर कब तक बेरोजगार लोग लाठी खाते रहेंगे, बताइए जरा। आपको बता देना चाहता हूँ कि बदलाव के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। हम जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, हम विश्लेषक के तौर पे समस्याओं का अध्ययन करते रहेंगे तो समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा। हम युवाओं ने समाधान का प्रण लिया है, संकल्प लिया है, और इस रामगढ़ उपचुनाव में हम लोग पूरे झारखंड को यह एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग धनबल से, जो लोग बाहुबल से चुनाव में उतरते हैं और पैसा बहाकर, अकूट पैसा बहाकर चुनाव जीतते हैं, उनको एक स्वस्थ राजनीति,
एक विचारधारा की राजनीति से, एक मुद्दों के आधारित राजनीति से भी मात दिया जा सकता है। और यह रामगढ़ का उपचुनाव जो है वो पूरे झारखंड को एक सकारात्मक संदेश देगा कि मेरिट जो है वो हमेशा कद्र किया जाएगा और टैलेंटेड लोगों को कोई भी चैलेंज स्वीकार है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सामने जो प्रमुख विरोधी दल के लोग हैं वो बाहुबल में और धन बल में कोसों आगे दिखते हैं, लेकिन जब बात आती है विचारों की, जब बात आती है मुद्दों की, जब बात आती है कंसेप्चुअल पॉलिटिक्स की, तो वो हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं। बदलाव की यही शुरुआत है। रामगढ़ की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, रामगढ़ की जनता अगर आपको विधानसभा भेजती है, रामगढ़ की जनता आपको अगर माननीय बनाती है, तो रामगढ़ के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले अगर मैं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचता हूं, तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि रामगढ़ के लोगों का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों, दूसरे राज्यों में जो जाना पड़ रहा है, उस सिस्टम को मैं ख़त्म करूंगा। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई रामगढ़ के लोग रामगढ़ में ही रह के करेंगे। साथ ही साथ गोला दुलमी का यह जो क्षेत्र है वो कृषि की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। हमारी प्राथमिकता होगी कि कृषि आधारित क्षेत्र, विशेष कृषि आधारित क्षेत्र जिसे स्पेशल एग्रीकल्चर कॉरिडोर बोला जाता है, इस रूप में रामगढ़ और दुलमी के क्षेत्र को मैं विकसित करूंगा, ताकि कृषक भी संपन्न हो सके, छात्र भी संपन्न हो सके, मेहनतकश मजदूर और व्यवसायी भी संपन्न हो सके। एक सामूहिक साझा विकास की राजनीति मैं करूंगा और सामूहिक साझा विकास रामगढ़ को देखने को मिलेगा। इस देश का नागरिक होने के नाते एक सवाल वाजिब सा है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बड़ी व्यथा होती है, कुछ असाध्य बीमारियाँ हैं जैसे कैंसर, अगर आम आदमी के घर में घुस जाए तो उसका घर बार बेच के, घर को स्वाहा करके, घर खाली करके, अंततः आदमी को भी उस घर से लेकर चला जाता है, आदमी इलाज नहीं करा पाता है। जो संपन्न लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, चाहे बड़े बड़े राजनीतिक पदों पे हैं, वो अपना इलाज तो जाके विदेशों में करा लेते हैं, किडनी का हो, कैंसर हो, कोई ट्रांसप्लांट करा रहा है, तो कोई कैंसर का इलाज करा रहा है, और भी असाध्य बीमारियां हैं जो अपने यहाँ नहीं हो पाती हैं ठीक, तो वो लोग बाहर जाके करा लेते हैं। और जो आम लोग हैं उनको बेड हॉस्पिटल में नहीं मिल पाता है, अस्पतालों में बेड की कमी है, अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, कितने लोग तो अस्पताल के बाहर मर जा रहे हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं, जनता आपको चुनती है, तो इस चीज़ पे आप कितना ध्यान दीजिएगा? एक जनता के नाते आपका सवाल। इन्हीं सभी दर्दों को दूर करने के लिए, इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए संतोष कुमार महतो चुनाव मैदान में है। हम आश्वस्त करते हैं लोगों को कि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जो असाध्य बीमारियां हैं, उनका इलाज रामगढ़ के लोग रामगढ़ में ही करा पाएंगे। और इसी सकारात्मक राजनीति के तहत हम लोग चुनावी मैदान में हैं। हम लोगों को यह आश्वस्त करते हैं कि तमाम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए जिन लोगों को चेन्नई और वेल्लोर जाना पड़ता है, उस लेवल की चिकित्सा सुविधाएँ हम लोग रामगढ़ में बहाल करेंगे। आप होनहार हैं, युवा हैं, सक्रिय हैं और आंदोलनकारी छवि है, ज्ञान से भी भरपूर हैं। क्षेत्र में घूमने के बाद जनता ऐसा कहती है कि संतोष कुमार महतो राज्य के नहीं बल्कि ये देश लेवल के नेता हैं। तो क्या आप अपने लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि आप विधानसभा तक ही सीमित रहेंगे, आप झारखंड तक ही सीमित रहेंगे, या आप अपनी योग्यता, आप अपनी क्षमता का विस्तार देश स्तर पर करेंगे? हम लोग विनोद बिहारी महतो जी के मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। हमने पहले खूब पढ़ाई की है और अब आम समस्याओं के लिए, रामगढ़ की समस्याओं के लिए और झारखंड राज्य की समस्याओं के लिए हम लोग लड़ने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। सबसे पहले मेरा यह लक्ष्य होगा कि रामगढ़ में मैं एक रोल मॉडल बनूँ, रामगढ़ विधानसभा को एक रोल मॉडल बनाऊँ, उसके बाद झारखंड की राजनीति में आऊँ, क्योंकि झारखंड की माई माटी मानुष की जो लड़ाई है वो अभी भी अधूरी है। अलग राज्य बन गया है, लेकिन जिन उद्देश्यों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था, वो ख्वाब, वो उद्देश्य अभी भी अधूरे हैं। उन सभी ख्वाबों को पूरा करने का जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। पहले मैं विधानसभा की राजनीति को समझना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग राज्य की राजनीति के बारे में प्लान करेंगे। अभी सारी चीज़ें, सारी बातें जो है भविष्य के गर्भ में हैं। जब जैसा समय आएगा उस तरीके का मैं
डिस्क्लोजर करूंगा। आप अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई है। मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश से, खोरठा से, जर्नलिज्म से और एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैंने ह्यूमन राइट्स के में डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात से डेयरी डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है। एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किया हुआ है। कॉल सेंटर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की हुई है। साथ ही साथ मैंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में काम किया है। बिहार सरकार में मैंने काम किया है। झारखंड सरकार में मैंने काम किया है। मैंने बिहार टेट क्वालिफाई किया है, झारखंड टेट क्वालिफाई किया है और CBSE टेट क्वालिफाई करने के बाद, इन सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद विनोद बिहारी महतो जी के मार्गदर्शन में, उनसे प्रेरणा लेकर पढ़ाई और लड़ाई का जो आंदोलन है उसके तहत मैं राजनीति में आया हुआ हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को मेरे लिए इतना वेट करना पड़ा उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा शिकायत का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हमारे साथ झारखंड पार्टी के युवा कर्मठ, जुझारू और छात्र नेता, आंदोलनकारी छवि है, प्रखर वक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े थे, बात किया। देश को आज ऐसे युवा नेताओं की, प्रबुद्ध नेताओं की ज़रूरत है, मेन स्ट्रीम राजनीति में लाने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे वेब समाचार 24x7 झारखंड रामगढ़। धन्यवाद।